मैं सेफली घर पहुंच जाऊंगी, आप प्लीज सो जाओ। सो जाऊं? कैसे सो सकती हूँ मैं जब रात के 2 बज रहे हैं और मेरी बेटी रात को अकेली दिल्ली की सड़कों पे घूम रही है। टैक्सी कर दिया, आ जाएगी टैक्सी। हे भगवान, इतनी रात को तू अकेली टैक्सी में आएगी? तुझे पता है ना कि प्रिया के साथ क्या हुआ था? आप मुझे अभी क्यों डरा रहे हो? मुझे सीरियसली नहीं पता था ये सिचुएशन हो जाएगी। एंड ऊपर से आरती की मेहंदी का फंक्शन था, एंड वो स्टूपिड करण, ही सपोज टू ड्रॉप मी होम, पता नहीं वो भी कहाँ गायब हो गया बिना बताए। अब आते हुए अपना ध्यान रखियो, जीपीएस में रास्ता चेक करती रहियो, कहीं वो तुझे कोई अलग रास्ते से ना लेकर जाए। और अगर वो कहीं गाड़ी रोके और तुझे जरा भी शक हो तो उसी टाइम इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर लियो, ठीक है ना? मॉम, आप प्लीज टेंशन मत लो। एंड एक मिनट, ड्राइवर का पीछे से कॉल आ रहा है, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। कैब आप ने बुक करी क्या मैडम? बैठो ना मैडम। हाँ राघव, बढ़िया एकदम। हाँ मेरे पास में है, अब कोई दिक्कत नहीं, तो तू वही मिलना अपनी जगह पे, मैं पहुंच के तुझे फोन करता हूँ, टेंशन नहीं ले लेगा। भैया ये कौन से रास्ते पे ले जा रहे हो आप? ये छतरपुर का रास्ता नहीं है। मैडम जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, उस रास्ते पर पुलिस वालों के बैरिकेड्स लगे होते हैं और मेरे पास गाड़ी के कागज नहीं है पूरे, और ये रास्ता भी मुझे मालूम है, बेफिक्र रहो। पानी की बोतल होगी जी, वो क्या है ना कि रेडिएटर का पानी सूख गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। Thank you.
अभी लोकेशन आ गई आपकी। मैडम जी आपकी लोकेशन आ गई। 333 रुपए। ऐप पर रेटिंग 5 स्टार दे दीजिएगा।